अगर आप एक 3D डिज़ाइनर हैं और आपको बेस्ट रेंडरिंग को क्रिएट करने में स्टिल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच कैसे आप लूमियन में फोटो रियलिस्टिक वर्क को क्रिएट कर सकते हैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बेस्ट रेंडरिंग को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये YouTube पर लूमियन का सबसे बेस्ट वीडियो होगा फॉर बिगनर्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। एंड अगर आप लूमियन की प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप PTS CAD एक्सपर्ट ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड वहाँ से आप लूमियन प्रोफेशनल कोर्स, जिसमें आपको प्रोफेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद सर्टिफिकेशन प्रोसेस, आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आप लूमियन सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको विजिबल होता है। देखिए, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं, जैसे आपको न्यू विंडो को ओपन करना है, आप किसी एग्जांपल को ओपन करना चाहते हैं, आपका बेंचमार्क कितना है, किसी फाइल को सेव करना है, लोड करना है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इस कम्प्लीट इंटरफेस को हम शॉर्ट लैंग्वेज में वेलकम स्क्रीन भी कहते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक न्यू विंडो को ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, काफ़ी सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं कि आपको प्लेन टेम्पलेट रखना है, फॉरेस्ट रखना है, ट्रॉपिकल आप रखना चाहते हैं, सब अर्बन एनवायरनमेंट है, माउंटेन रेंज है एंड वाइट है। इस तरीके से 6 आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं बेसिकली यहाँ पे प्लेन चूज़ करूँ, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे मॉडल बनाया है, मॉडल के साथ साथ मैंने यहाँ पे साइट को भी डिज़ाइन किया है, ठीक है। लेकिन लेट सपोज ओनली आपने यहाँ पे मॉडल को डिज़ाइन किया है, आपने साइट को डेकोरेट नहीं किया है, तो उस केस में आपको क्या करना है, किसी भी प्री डिफाइंड टेम्पलेट को चूज़ करना है। आप सब अर्बन एनवायरनमेंट को चूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे कंप्लीट आपको स्ट्रीट एंड जो लोकेलिटी है वो डिज़ाइंड मिलती है। लेकिन बिकॉज मेरे पास डिज़ाइंड ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करूँगी एंड जो स्ट्रीट है मेरी ऑलरेडी डिज़ाइंड है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे प्लेन टेम्पलेट को चूज़ करना है। तो देखिए, यहाँ पे आप जैसे क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ से आप कंप्लीट विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप लूमिन विंडो के अंदर एंटर करते हैं, तो आप उसको नेविगेट कैसे करेंगे, कैसे आप कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए आपके माउस में जो राइट बटन है आपको उसको क्लिक करना है, एंड जैसे जैसे आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं आप कंप्लीट विंडो को रोटेट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि आप कंप्लीट विंडो को ऑर्बिट कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर आपको फॉरवर्ड मूव करना है, तो आप एरो की का यूज़ करेंगे फॉरवर्ड के लिए, बैकवर्ड के लिए, लेफ्ट के लिए एंड एज वेल एज राइट के लिए। तो इस तरीके से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आपको हाइट के अंदर मूव करना है, तो आप यहाँ पर क्यू एंड ई का यूज़ करेंगे। क्यू से आप अप की तरफ मूव करते हैं एंड ई की से आप बॉटम की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट रहेगा, इसके बॉटम में आप नहीं जा पाएंगे, एंड हाइट में अपर साइड की तरफ आप कितना जाना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कंट्रोल कर लेना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे किसी भी मॉडल को इम्पोर्ट करना है। तो इम्पोर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो ऑप्शन है, जो आपको ग्रीन कलर के बॉक्स में मिल रहा है, वो है इम्पोर्ट न्यू मॉडल। तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए आपका एक ओपनिंग टैब ओपन हो जाता है, जहाँ से आपको सभी फॉर्मेट मिल जाते हैं कि किस किस फॉर्मेट को लूमियन सपोर्ट करता है। तो आप ऑटोडेस्क फाइल को, मीन्स DWG या DXF फाइल को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, आप यहाँ से कोलेडा फाइल को ओपन कर सकते हैं, आप FBX फाइल को चूज़ कर सकते हैं, मैक्स फाइल, 3DS, OBJ एंड एज वेल एज FBX। तो काफ़ी सारे फॉर्मेट हैं, तो जिस पर भी आप यूज़ कर रहे हैं आप उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जिस भी सॉफ्टवेयर का आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, आप डायरेक्टली अपनी फाइल को यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्टली मुझे क्या करना है, मेरी स्केचअप फाइल को सेव करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लूमियन 10.5 वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको स्केचअप को लोअर वर्ज़न में सेव करना होगा। अगर आप लूमियन के लेटेस्ट वर्ज़न का यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसे जिस वर्ज़न में आप वर्क कर रहे हैं, 21 के अंदर, 22 के अंदर या 2020 के अंदर, आप उसमें सेव कर सकते हैं। राइट नाउ मैं 2021 में वर्क कर रही हूँ, लेकिन मैंने इस फाइल को 2015 के अंदर सेव किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे, सेव एज पे क्लिक कर दीजिए, एंड ये फाइल मेरी यहाँ पर सेव्ड है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगी, मैंने इस डायरेक्टरी को कॉपी किया,
कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से मिनिमाइज़ करना है। इन इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जहाँ पे आप पाथ डिफाइन करेंगे वहाँ पे आप पेस्ट करेंगे एंड एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्केचअप फाइल पे वर्क करना है तो मैं स्केचअप फाइल को सिलेक्ट करूँगी, मॉडल को सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन सिंपली आपको यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद ही इम्पोर्ट मॉडल ऐसा करके एक टैब आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि आपको मॉडल का क्या नेम रखना है, किस कैटेगरी में आप रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे मॉडल का जो नेम है वो मैं यहाँ पर एक्सटीरियर रख रही हूँ और कैटेगरी जो है वो मैं यहाँ पे मेरी मेन में भी आप रख सकते हो या फिर आप डिफरेंट कैटेगरीज़ को भी चूज़ कर सकते हो। जैसे लेट सपोज आप न्यू कैटेगरी को क्रिएट करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप नेम टाइप कर दीजिए एंड एंटर कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपको एजेस को या लाइन को इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे ऑन रखेंगे, अदरवाइज आप इसे ऑफ के ऑप्शन पे सिलेक्ट कीजिए एंड देन सिंपली आपको यहाँ से ओके करना है। सो वो डिपेंड करता है कि आपके मॉडल का साइज़ कितना है, उस बिहाफ पे आपका जो मॉडल होता है वो इम्पोर्ट होता है और उतना ही टाइम वो वहाँ पर कंज्यूम करता है। एंड इम्पोर्ट करने के बाद ये देखिए कंप्लीट मॉडल आपका इम्पोर्ट हो गया है, तो जहाँ पे आपको प्लेस करना है वहाँ आपको जस्ट सिंगल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एस्केप के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन आप यहाँ पे मूव करेंगे। तो मुझे अप की तरफ मूव करना है तो मुझे अपर की को प्रेस करना है, साथ ही में मुझे जो मेरा राइट बटन है, राइट माउस बटन है, उसे मैं अप की तरफ ड्रैग करूँगी एंड देन मैं अप की तरफ मूव करूँगी। तो देखिए ये आपका जो मॉडल है वो इम्पोर्ट हो गया है बट राइट नाउ वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो होता है मटेरियल के अंदर एडिट करना कि आप कैसे मटेरियल को एडिट करते हैं, क्योंकि जो मटेरियल आपने स्केचअप में प्रोवाइड किया है सेम तरीके से आपका मटेरियल यहाँ पर भी आपको असाइंड मिला है तो आपको इस पर वर्क करना है। इससे पहले हम यहाँ पर जो वेदर है उसे चेंज कर लेते हैं। तो वेदर के लिए देखिए यहाँ पर फोर्थ आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलती हैं, फर्स्ट आपको मिलता है सन डायरेक्शन एंड सेकेंड आपको यहाँ पर मिलती है सन हाइट। तो यहाँ पे आप कितनी सन डायरेक्शन रखना चाहते हैं, किस फेस के अंदर आपका सन चाहिए आपको वो आप डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आप कितना टाइम रखना चाहते हैं आप टाइम के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है सन को कंट्रोल करने का। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली रियल स्काई का यूज़ करें, तो उस केस में आपको उस ऑप्शन को ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको स्काई मिल जाते हैं। तो आप क्लाउडी वेदर चाहते हैं, आप इवनिंग चूज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ पे मॉर्निंग चूज़ करना चाहते हैं, ऐसे सभी आपको कैटेगरी मिल जाएगी। जिस भी कैटेगरी पे आप वर्क करना चाहते हैं उसे आपको सिलेक्ट करना है। लेट सपोज मुझे इसके ऊपर वर्क करना है तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी चीज़ें आपको विजिबल हो गई हैं, तो आप ऐसे वर्क कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आप सन डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन से आप यहाँ पर सनलाइट जो है वो चाहते हैं। मैं यहाँ पे अपने मॉडल की फ्रंट में जाऊंगी, तो बेसिकली मेरा फ्रंट है मॉडल का, ठीक है। तो यहाँ से मुझे लाइटिंग चाहिए तो मैं सन डायरेक्शन जो है उसे यहाँ पे चेंज करूँगी। एंड देन आप कितनी सन ब्राइटनेस रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे मटेरियल पे एंड देन आपको मटेरियल में चेंजमेंट करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे ये वाला जो कंप्लीट पोर्शन है बेसिकली हमारा कंक्रीट का रहने वाला है, तो इस पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, वेरियस इंडोर और आउटडोर, तो आउटडोर के ऊपर आप जाएंगे एंड यहाँ से आपको कंक्रीट को सिलेक्ट करना है। फिर किस टाइप का आप कंक्रीट रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने सिलेक्ट किया लेकिन इसका जो स्केल है उसे मुझे थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, तो उस केस में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद इसे सिलेक्ट कर लीजिए तो इसकी सभी प्रॉपर्टी आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो आपको मैप स्केल को इंक्रीज़ करना है, स्केल फैक्टर को इंक्रीज़ करने के लिए एंड देन आप यहाँ पे इसे चूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। इस मटेरियल के अंदर मैं चेंजमेंट नहीं कर रही हूँ, सेम मटेरियल को मैं चूज़ कर रही हूँ। तो इसे आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको स्टैंडर्ड को चूज़ करना है एंड देन आप कितना रखना चाहते हैं इसमें, ग्लोसनेस आप कितनी प्रोवाइड करना चाहते हैं, रिफ्लेक्टिविटी कितना होना चाहिए, रिलीफ बेसिकली बम्पनेस होती है तो इसे आप कितना रखना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं।
पिक करेंगे। इस मटेरियल के लिए मैं यहाँ पे चारकोल मटेरियल लिखा हुआ है, बट बेसिकली एल्यूमिनियम वगैरह का कुछ मटेरियल रहेगा। तो आप यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे चूज़ करेंगे मेटल, इंडोर के अंदर अब से आप चूज़ कीजिएगा, एंड देन आपको चूज़ करना है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल को मुझे ग्रास के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आप डायरेक्टली वेजिटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लैंडस्केप के ऑप्शन पे क्लिक करके, या फिर अगर आप इसमें ग्रास को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वेजेस टैब में जाएंगे और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो 2D ग्रास के अंदर काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, ये आप चूज़ कर सकते हैं, ये इवन आप 3D ग्रास को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन मुझे इसको वेजिटेशन में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको लैंडस्केप के ऑप्शन को चूज़ करना है। सेव कर दीजिए, देन लैंडस्केप के ऊपर आपको जाना है और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसे। ऑन करेंगे, जो साइज है इसका थोड़ा सा हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। इस तरीके से देन आपको मटेरियल में जाना है। इस पर्टिकुलर मटेरियल में हम चेंजमेंट करेंगे, सिलेक्ट कर लीजिए इसे, यहाँ पे जाएंगे स्टैंडर्ड पे, जो ग्लोसीनेस है उसे मैं यहाँ पे रिड्यूस करूँगी, 0.2 के अराउंड में रखूँगी, एंड रिफ्लेक्टिविटी को मैं यहाँ पे 0 कर रही हूँ। इसके बाद रिलीफ को आपको यहाँ पे ऐड करना है, एंड यहाँ पे देखिए एजेस के अंदर यहाँ पे अगर आपको राउंडनेस चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे वेदरिंग के ऑप्शन पे, एंड यहाँ से आप वेदरिंग को भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो। एंड यहाँ से आपको एजेस को फुल कर देना ताकि जो एजेस हैं यहाँ पे इसकी, वो यहाँ पर इसकी सॉफ्ट हो जाए। ये आपको करना है। इस पर्टिकुलर मटेरियल में हम चेंजमेंट करेंगे, सेलेक्ट कर लीजिए इसे, स्टैंडर्ड पे जाएंगे, सेम जो स्टोन है इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, स्टैंडर्ड पे जाइए और इसकी जो ग्लोसीनेस है उसे मुझे इंक्रीज़ करना है, क्योंकि मुझे थोड़ा ग्लोसी फिनिशिंग के अंदर ये चाहिए। तो 1 है एंड नॉर्मली 0 होता है, तो मैं इसे अराउंड 0.3 या 0.4 के समथिंग रखूँगी, ताकि एक टाइलिंग वाला जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर ऐड हो जाए। रिलीफ को हम यहाँ पर फुल कर देंगे, एंड देन जो रिफ्लेक्टिविटी उसको आपको यहाँ से स्टॉप कर देना है, ठीक है, इतना आपको करना है।
सेम ये वाले जो ग्रास है इसे भी मुझे 3D ग्रास के अंदर चेंज करना है। तो पहले आप यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। एंड अगर आप ग्रास में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देखिए दो तरीके मैंने आपको बताए, पहला होगा लैंडस्केप के थ्रू एंड सेकेंड होगा 3D ग्रास के थ्रू। तो इसमें मुझे 3D ग्रास को यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर जाएंगे वेरियस टैब में एंड देन आपको ग्रास को यूज़ कर लेना है। फिर किस टाइप की ग्रास आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस वाला यूज़ कर लूँ, सेव करेंगे इसे चेंजेस को, क्योंकि इंटीरियर के लिए यूज़ हो रखी है तो एक क्लीन कट ग्रास ज़्यादा बेटर रहेगी। इस पोर्शन के लिए मैं यहाँ पे वुडन ही चूज़ कर रही हूँ। तो इसे आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है स्टैंडर्ड पे, एंड कलराइजेशन आप किस टाइप का कलर चाहते हैं वो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। तो डार्क कलर मुझे चाहिए तो कुछ इस टाइप का कलर मैं चूज़ करूँगी। नेक्स्ट हमारा ये वुडन मटेरियल है, तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करूँगी। लेट सपोज आप ये मटेरियल नहीं चूज़ करना चाहते हैं तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं किस टाइप की कैटेगरी को आपको चूज़ करना है। तो वुडन चाहिए आपको, यहाँ से वुड पे क्लिक कर सकते हो, काफ़ी सारे आपको टाइप मिल जाते हैं वुडन की, तो जो भी आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं वो आप ईजिली यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, पर मुझे स्टैंडर्ड को ही चूज़ करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी एंड मैं इसको मैं फुल करूँगी यहाँ पे।
यहाँ पर देखिए कोई भी चीज में अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल मटेरियल्स में सेम हो तब क्या कर सकते हैं, मटेरियल को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉपी करने का ऑप्शन आपके इसमें जाता है, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए स्टैंडर्ड पे जाइए और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मटेरियल को पेस्ट कर सकते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टी आपने उसमें चेंजमेंट की हुई है वो सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ से मैं इसे मटेरियल को अप्लाई करेंगे, सिलेक्ट कर लीजिए इसे, स्टैंडर्ड पे जाएंगे और यहाँ से देखिए अभी बिकॉज रॉक्स वगैरह प्लेस है यहाँ पे, स्टोन्स हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसमें रिलीफ को ऐड करना होगा एज वेल एज आपको डिस्प्लेसमेंट मैप की नीड होगी। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे जो रिलीफ है उसको फुल कर देंगे, रिफ्लेक्टिविटी को कम करेंगे एंड एज वेल एज ग्लोसीनेस को कम करेंगे। ठीक है, अभी इसमें डिस्प्लेसमेंट को ऐड करने के लिए यहाँ पे देखिए नॉर्मल मैप ऑलरेडी ऐड है, यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट को चूज़ कर सकते हैं। मटेरियल को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रही हूँ, तो आप यहाँ पे जाइए एक ब्राउज़र को हम ओपन कर रही हूँ, यहाँ से आपको सर्च करना पॉलीगन। टेक्सचर्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप रॉक या स्टोन चूज़ कर सकते हैं। इसी की तरह एक और आपकी साइट होती है पोली हेवन, वहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ब्राउज टेक्सचर एंड यहाँ से आपको स्टोन चूज़ करना है। तो लेट्स सपोज कुछ इस टाइप का आप चूज़ करना चाहते हैं, तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे एंड देन सिंपली आप यहाँ पे से डाउनलोड करेंगे। तो मैं इनको चूज़ करूँगी यहाँ पे, देन आप जाएंगे लुमिन पे, मटेरियल को आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन आपको यहाँ पे चूज़ करना है। तो इसे डिस्प्लेसमेंट को या नॉर्मल को आप यहाँ पे रिमूव कर दीजिए, चूज़ मैप कलर, फिर जहाँ पे आपने डिफाइन करा है डायरेक्टरी वहाँ पे आप जाएंगे, तो ये हमारा डिफ्यूज़ है सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर लीजिए इसे। ठीक है, तो इसने ऑटोमेटिकली इसका नॉर्मल मैप क्रिएट कर दिया है। अभी डिस्प्लेसमेंट को हमें यहाँ से ऐड करना है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मैप होगा, तो जैसे आप इसे ऐड करते हैं यहाँ पे देखिए अभी टेक्सचर है बट अभी आपको रॉक विजिबल होगा यहाँ पे। फिर ग्लोसीनेस एंड रिफ्लेक्टिविटी को आप यहाँ से कम कर दीजिए एंड ये देखिए। एंड डिस्प्लेसमेंट को आप कितनी रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना। तो ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट के लिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन था वो था इंपोर्ट न्यू मॉडल। ठीक है, तो आप किसी भी न्यू मॉडल को एक्सटर्नली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वो नेचर है, ठीक है, फाइन डिटेल नेचर है। ठीक है, यहाँ पे आपको पीपल्स मिल जाते हैं, कार मिल जाती है, आप ट्रांसपोर्ट कैटेगरीज को चूज़ कर सकते हैं, आउटडोर इनडोर, इसी तरीके से सारी कैटेगरीज यहाँ पर डिवाइडेड हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले नेचर को चूज़ करना है।
ताकि आप यहाँ पे ट्रीज़ वगैरह को प्लेस कर सकें। तो जहाँ जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है, तो ये जो दोनों साइड्स होंगी, इन दोनों साइड्स के अंदर मैं यहाँ पे ट्रीज़ को प्लेस करूँगी, ठीक है। लेकिन ट्रीज़ किस टाइप के आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। आपको कॉनिफर्स पे वर्क करना है, आप पाम चूज़ करना चाहते हैं, इसी तरीके से लीफलेस ट्रीज़, ग्रास प्लांट, फ्लावर, बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चूज़ करना है, लेट सपोज़ हम कॉनिफर्स को चूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप का ट्री आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड देन सिंपली आपको इसे यहाँ पे पेस्ट करना है। जापनीज चूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको एंड देन यहाँ पे आप इसे प्लेस कर दीजिए। इस तरीके से इस पोर्शन के लिए मैं यहाँ पे फ्लावर का चूज़ करूँगी, आप यहाँ पे फ्लावर की कैटेगरी पे जाएंगे एंड देन आपको चूज़ करना है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, लेट्स सपोज आप पिंक कलर के फ्लावर्स ऐड करना चाहते हैं, तो अगर आप वन बाय वन करके करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम आपको यूज़ हो जाएगा। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेसमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। अभी सिंगल प्लेसमेंट है तो वन बाय वन करके आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस हो रहे हैं, लेकिन आप इसे यहाँ पे मास प्लेसमेंट, क्लस्टर प्लेसमेंट एंड एज वेल एज पेंट प्लेसमेंट भी चूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक मास प्लेसमेंट को चूज़ करूँगी, सिलेक्ट करना है आपको एंड देन आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। फर्स्ट क्लिक कीजिए इस तरीके से, फिर कंट्रोल के साथ आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। फिर नंबर ऑफ आइटम्स आप कितने रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, डायरेक्शन एज वेल एज रेंडमाइजेशन।
यहाँ पे जाएंगे एंड देन सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है मॉडल्स पे। तो आउटडोर की कैटेगरी पे आपको जाना है, डबल क्लिक कर दीजिए यहाँ पे एंड यहाँ से आपको चूज़ करना है हाउसेज। तो फिर आपको बिल्डिंग करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, दिस वन क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आपको काफ़ी सारी टाइप की बिल्डिंग्स मिल जाती हैं, तो आप अपार्टमेंट हाउसेस किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाला हाउस है, आप इसे यूज़ कर लीजिए, क्लिक करना है जस्ट आपको। एंड बिकॉज हम लूमिन से डायरेक्ट इम्पोर्ट करें तो ये सारे मॉडल्स आपको रेंडर रेडी मिलते हैं, जस्ट आपको सेलेक्ट करना होता है और यहाँ से आपको प्लेस करना है। एट द सेम टाइम अगर आप रोटेट करना चाहते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिए क्लस्टर प्लेसमेंट के अंदर है, तो उसको पहले चेंज कर लीजिएगा सिंगल प्लेसमेंट में, उसके बाद आपको आर में प्रेस करना है एंड देन आपको इसे रोटेट करना है। फिर यहाँ से डिफाइन कर दीजिए, यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया। ऐसे आपको बस चारों तरफ मॉडल्स को प्लेस कर देना है ताकि आपका जो मॉडल है वो यहाँ पे आपको ब्लैंक ना विजिबल हो, ठीक है। यहाँ आपने प्लेस कर दिया, सभी जगह पे आपको करना है। स्केल अप करना चाहते हैं आप, एस को प्रेस कीजिए। स्केल के लिए आपको एल को प्रेस करना है एंड देन आप इसे यहाँ पे स्केल भी कर सकते हैं प्लेसिंग के टाइम पर ही। तो यहाँ पे आप इसे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इस पोर्शन में आपको प्लेस कर देना है एंड ये प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो शेडोज जनरेट होंगी यहाँ पे मॉडल पे इन्हीं की वजह से होने वाली है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। सेम तरीके से आप बैक साइड में भी प्लेस करेंगे। कि इतने कंपोनेंट इनफ हैं, यहाँ पे प्लस लास्ट आपको प्लेस कर देना है। देन आपको यहाँ पे सेम वापस से ट्रीज को सेलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको यहाँ पे ट्रीज को प्लेस करना है। यहाँ पे भी मैं कुछ मॉडल्स को प्लेस कर रही हूँ इस पोर्शन के अंदर।
तो आप देख सकते हैं साइट का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जितना इंपॉर्टेंट आपका मॉडल है, आसपास के मॉडल को प्लेस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका साइट यहाँ पे कम्प्लीटली फिल्ड लगे। देन नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रीज़ वगैरह को ऐड करना, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सेलेक्ट कर लेना है इस पर, एंड देन आपको वन बाय वन करके ट्रीज़ को यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा जो फ्रंट में आप प्लेस करें वो आपके मॉडल को कवर ना करें, तो आपको कुछ इस टाइप के ट्रीज़ का यूज़ करना है। एक मैं लीफलेस ट्री का भी यूज़ करूँगी, तो उसके भी आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये वाला जो साइड है, मैं यहाँ पे जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनका यूज़ कर रही हूँ, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे प्लांट्स वगैरह के अंदर, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस साइड के आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये इसमें बाउंड्री को कवर करने के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे आप इस टाइप के भी चूज़ कर सकते हैं, मैं आपको काफ़ी सारे टाइप के प्लांट्स मिल जाते हैं। देखिए आप इस टाइप के जो सिंगल आर्टी होती है, हेजेज होती है, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए बस आपको सिलेक्ट करना है, लेट सपोज आप इसी टाइप की यूज़ करना चाहते हैं, आप आर को प्रेस कीजिए, इसे रोटेट कर दीजिए, देन आपको यहाँ पे इसे प्लेस कर देना है। अभी देखिए आप हर दफ़ा इसमें रोटेशन को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हम इसकी कॉपी लेते हैं। तो कॉपी लेने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो सिलेक्ट टैब होता है आपको उस पर क्लिक करना है, टैब पर आपको क्लिक करना है और आपको ऑल्ट के साथ मूव करना है। लेकिन जब आप उसको सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करने के बाद आप देखते हैं कि ये अप की तरफ भी मूव हो रहा है, डाउन की तरफ भी हो रहा है, लेफ्ट राइट मतलब ऑल डायरेक्शंस के अंदर है, हमें ओनली इसको हॉरिजॉन्टली रोटेट कराना है। तो आप यहाँ से मूव फ्री से इसको चेंज करके रख कर देंगे मूव हॉरिजॉन्टल, तो अभी ये ओनली आपकी हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। तो आपको ऑल्ट को प्रेस करना है एंड देन आपको यहाँ पे इस तरीके से रोटेट करना है। ठीक है, जब आपने काफ़ी सारे प्लांट्स को प्लेस कर लिया, तो आपको कंट्रोल के साथ इसे सिलेक्ट कर लेना है, एंड देन आप यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज भी जनरेट कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आपको कंप्लीट बाउंड्री पे क्या कर देना है, इस टाइप से आईवी वाई को, या हम बोल सकते हैं जो ग्रासेस है या फिर हम बोल सकते हैं जो हेजेस है, उसको आपको प्लेस कर देना है, ठीक है, ताकि ये वाला कंप्लीट पोर्शन आपका कवर हो जाए। अभी आप देख सकते हैं जितनी भी वॉल्स वगैरह हैं इनमें किसी के अंदर भी कोई भी प्लांट्स वगैरह प्लेस्ड नहीं है, तो आपको ट्राई करना है कि यहाँ पे भी आप प्लांट्स वगैरह को प्लेस्ड करके रखें, ठीक है। आप इस पोर्शन में भी कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे आप कंप्लीट पोर्शन में के अंदर भी दे सकते हैं, बट आपको बस एक ओपनिंग यहाँ पे छोड़नी है। तो जैसे लेट सपोज हम यहाँ पे इसका ओपनिंग रख देते हैं एंड इस कंप्लीट पोर्शन में आपको रोटेट करना है इसी टाइप से, ठीक है। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, किसी भी एक पोर्शन को सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन आपको ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्या करना है, मूव करना है। एक आपने मूव किया, देन इसको रोटेशन प्रोवाइड कर दीजिए, सिलेक्ट आपको करना है, आर आप प्रेस करेंगे एंड देन आप इसे यहाँ पे रोटेट करेंगे। ऐसे रोटेट किया एंड देन जैसे हमने वहाँ पे कॉपीज इसकी जनरेट करी हैं, आप यहाँ पे भी इसकी कॉपीज़ को ऐड करेंगे। तो एम को प्रेस कीजिए, ऑल्ट को प्रेस कीजिए एंड देन आपको यहाँ पे इसकी कॉपीज जनरेट करनी है। यहाँ पे आप इसे रोटेशन देंगे, आर को प्रेस कर दीजिए एंड देन आपको इसे यहाँ पे रोटेट करना है। तो देखिए ये जो ट्री है ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा आगे है, तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन आपको इसे यहाँ पे मूव करना है। अभी देखिए ये वाला जो कंप्लीट पोर्शन है बिल्कुल स्ट्रेट है, तो आपको वापस से वन बाय वन करके कॉपी करने की नीड नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अभी देखिए कॉनिफर्स या फिर हम बोल सकते हैं कि नेचर के जो कैटेगरी है वो सिलेक्टेड है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए एंड देन आपको क्या करना है, इस तरीके से रेक्टेंगल वाइज भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल एंड शिफ्ट को सिलेक्ट कीजिए एंड इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको इसे रिमूव कर देना है। कंट्रोल के साथ आपको रिमूव करना है एंड देन ये जितने भी सिलेक्टेड हैं इसको आप ऑल्ट को सिलेक्ट कीजिए एंड देन आपको यहाँ पे इसकी कॉपी ले लेनी है। कि जो पार्ट एक्स्ट्रा है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन आप उसे यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली डिलीट नहीं होगा, तो आपको डिलीट के ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है एंड देन आपको इसे डिलीट करना है। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आगे की तरफ है, इसे लिटिल बिट हम मूव करेंगे पीछे की तरफ। इस तरीके से तो आपको कंप्लीट के अंदर ऐसे हेजेस को प्लेस कर देना है। देन आप यहाँ पे बाकी ट्रीज को भी ऐड कर सकते हैं। तो सेम तरीके से आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए नेचर पे एंड देन आपको यहाँ पे ट्रीज को चूज करना है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आप यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप के ग्रासेस को भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आप एक थोड़ा रियल इम्पैक्ट इसमें क्रिएट कर सकें। तो मान लीजिए आप यहाँ से इसमें इमेज को कैप्चर करें तो काफ़ी सारी टाइप की जब ग्रासेस इसमें ऐड हो जाएंगी, बिकॉज हमने इसमें लैंडस्केप सिलेक्ट किया है तो वैसे ही रियलिस्टिक लुक लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा इसमें और ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चूज़ करना है पेंट प्लेसमेंट को। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, तो जो जो ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, आपको यहाँ पे ग्रास पे जाना है एंड इस टाइप की ग्रास आप चूज़ कर सकते हैं।
स्टेप्स आप ग्रासेस को ऐड कर सकते हैं। फिर कितनी डेंसिटी आप रखना चाहते हैं, आप डेंसिटी की वाइज भी कंट्रोल कर सकते हैं इसे। एंड देन आपको यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद वन बाय वन करके भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग मुझे क्या करनी है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे मैं कुछ प्लांट्स को ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पे टॉप पे चले जाइए एंड देन आपको यहाँ पे चूज़ करना है फ्लावर को। आप चूज़ कर सकते हैं काफ़ी सारे टाइप के फ्लावर्स हैं, तो आप इनमें से किसी भी फ्लावर को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आउटडोर्स वगैरह के अंदर से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए असोर्टेड के अंदर काफ़ी सारे टाइप के प्लांट्स मिल जाते हैं, तो आप डायरेक्टली इन प्लांट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। स्केलिंग के लिए सिंपली आपको एल प्रेस करना है एंड देन आप इसे यहाँ पे स्केल कर सकते हैं। इस पोर्शन के अंदर मैं प्लांट्स वगैरह का यूज़ करूँगी, तो यहाँ पे आप जाएंगे नेचर पे एंड लेट्स सपोज आप इस टाइप के फ्लावर्स को ऐड करना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन यहाँ पे आपको प्लेस करना है। इस पोर्शन के अंदर मैं यहाँ पे रोक्स वगैरह को ऐड कर रही हूँ, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको यहाँ पे इसे प्लेस कर देना है इस तरीके से। अच्छा, ये वाले जो प्लांट्स हैं ये एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो यहाँ पे आप इसे डिलीट कर दीजिए एंड आपको इस तरीके से इसे यहाँ पे रिमूव कर देना है। देन नेक्स्ट टाइम क्या करना है, यहाँ पे हम कार वगैरह को प्लेस करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी पे जाना है, डबल क्लिक कर दीजिए एंड देन आप यहाँ से किसी भी टाइप की कार को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज आप इस टाइप की कार को ऐड करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना है आपको एंड आप यहाँ पे आर को प्रेस करेंगे रोटेशन के लिए एंड देन आप यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। काफ़ी सारी टाइप की कार हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो मेक श्योर आप कार को रिपीट ना करें। किसी भी कार का अगर आपको कलर चेंज करना है तो आपको उसे सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप कोई भी कलर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ पीपल्स वगैरह को भी प्लेस करूँगी, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए पीपल एंड एनिमल एंड देन आपको यहाँ पे इसे
सेलेक्ट करना है। अब देखिए दो तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप एनिमेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे वॉक वगैरह यूज़ कर सकते हैं, एंड ओनली अगर आपको इमेज को कैप्चर करना है तो आपको यहाँ पे इस तरीके से ऐड करने की नीड नहीं है, आप यहाँ से सिंपली आइडल को चूज़ कर सकते हो। तो आपको सेलेक्ट करना है एंड देन आपको यहाँ पर इसे प्लेस कर देना है कि भी किस टाइप के आप चाहते हैं। यहाँ पे भी देखिए आप कंप्लीट कैटेगरी मिल रही है कि आपको मेन यूज़ करना है, वुमेन आप करना चाहते हैं, बॉयज़ है, गर्ल है, देखिए काफ़ी सारे टाइप के पेट्स हैं तो आप पेट्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे मैंने दोनों को यूज़ किया, सिलेक्ट करना है एंड देन सिंपली आपको प्लेस करना है। यहाँ आप ऐड कर सकते हैं, कुछ मैं यहाँ पे बर्ड्स वगैरह को भी प्लेस करूँ तो उसके लिए आपको यहाँ पे बर्ड पे जाना है एंड देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा देखिए बिकॉज स्ट्रीट है तो स्ट्रीट के अंदर आपको काफ़ी सारे टाइप के आप डस्टबिन वो प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जो फायर हैंडल होता है उसे आप प्लेस कर सकते हैं, मीन्स जो स्ट्रीट लोकेशन होती है उसके तरीके से आपको यहाँ पे प्लेस करने। तो आउटडोर पे क्लिक कीजिएगा एंड देन आपको यहाँ पे चूज़ करना है स्टोरेज, आप चूज़ कर सकते हैं, साइंस आप यूज़ कर सकते हैं कुछ इस टाइप के। तो सिंपली आपको करना क्या है, सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे देखिए अभी इस टाइप का है तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन आपको यहाँ पे इसे प्लेस कर देना है, ठीक है। रोटेशन देख के प्रोवाइड कीजिएगा इसे इस तरीके से, यहाँ आपने ऐड कर दिया, ठीक है। एक साइन आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, स्टोरेज में से आपको चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको आपको प्लेस करना है। यहाँ पे यूटिलिटीज़ हैं, यहाँ पे आप जैसे इस टाइप की फायर हाइड्रेंट का यूज़ कर सकते हैं कि थोड़ा कुछ इस टाइप का हम चूज़ करते हैं। यहाँ हम ऐड करेंगे इसे, आप यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का, पार्किंग मीटर, इस टाइप के सिंबल्स एंड पोल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन बूथ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अभी बिकॉज यहाँ पे गार्डन एरिया ऐड है तो हम इस टाइप की बेंचेस का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जस्ट आपको सिलेक्ट करना है एंड देन आपको यहाँ पे इसे प्लेस कर देना है। देखिए काफ़ी सारे टाइप की लाइटिंग्स हैं तो यहाँ पे ये आप स्ट्रीट लाइट को चूज़ कर सकते हैं एंड देन यहाँ पे आपको प्लेस कर देना है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जहाँ पे आपको एक लार्ज एरिया के अंदर प्लेस करना होता है ना, वहाँ पे आप यहाँ पे मास प्लेसमेंट का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें इसको कंप्लीट एरिया के अंदर रोटेट कराना है। तो आप इसे यहाँ पे अभी इसे डिलीट कर दीजिए एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लेस करना है एंड जो सिलेक्शन टाइप है, जो प्लेसमेंट टाइप है, उसको आपके यहाँ से मास प्लेसमेंट को चूज़ करना है। फर्स्ट क्लिक करना है, सेकेंड क्लिक कीजिएगा, जहाँ पे आपको रोटेशन डिफाइन करना है वहाँ पे आप रोटेशन डिफाइन करेंगे, कंट्रोल के साथ आपको मूव करना है इस तरीके से। जहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है वहाँ पे ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है,
थोड़ा सा हम इसको पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। एंड देन यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स आप कितने रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। आई थिंक इतना इनफ है। डायरेक्शन, रेंडमाइजेशन और स्पेसिंग, इन सबको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कंफर्म कर दीजिए। देन सेलेक्ट टैब पे आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी एरिया के अंदर आप यहाँ पे वन क्लिक के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो सभी ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, द नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे जो रोड है इसके अंदर मैं कुछ लीव्स वगैरह को ऐड करूँ, फॉलन लीव्स को। तो यहाँ पे आप जाएंगे नेचर पे, डबल क्लिक कर दीजिए, यहाँ से आपको चूज करना है लीव्स। देखिए काफ़ी सारे टाइप के आपको फॉलन लीव्स मिल जाते हैं, तो जस्ट आपको सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे आपको प्लेस कर देना है। अच्छा ओके, मास प्लेसमेंट ऑन है तो इसे एस्केप कर दीजिए, सिंगल पे क्लिक करना है एंड देन आपको प्लेस करना है। तो इसी वजह से भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट ऐड होता है, क्योंकि काफ़ी सारे हमने प्लांट्स को ऐड किया है, तो डेफिनेटली आप फॉलन लीव्स को भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको लग रहा है कि अमाउंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा है तो आप यहाँ से दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, ये वाला मच बेटर है, तो इसे हम एक काम करते हैं डिलीट कर देते हैं। देन हम इसे प्लेस करेंगे। यहाँ पे भी मैं कुछ लीव्स को ऐड कर रही हूँ एंड कुछ लीव्स को यहाँ पे बहुत माइनर जो है उसे मैं यहाँ पे रोड पे ऐड करूँगी, बट बहुत ज़्यादा नहीं करनी है आपको। तो मेक श्योर आप कुछ ऐसा सिलेक्ट करें जिसमें कम लीव्स हो, जैसे ये आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं कहीं कहीं पर इस तरीके से। इसके बाद बिकॉज हमने सभी मटेरियल पे एडिट कर दिया था, बट हमारा जो रोड मटेरियल था उसमें हमने चेंजमेंट नहीं किया था, तो वो लास्ट हम कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लीजिए इसे, यहाँ पे स्टैंडर्ड पे जाएंगे एंड देन जो और बम्पनेस है इसके अंदर वो हम इसमें इंक्रीज करेंगे। कि काफ़ी ज़्यादा ग्लोसीनेस आ गई, तो ग्लोसीनेस को कम कर दीजिए, क्योंकि एसफाल्ट के अंदर नहीं होती है ग्लोसीनेस। रिफ्लेक्टिविटी को आपको कम करना है एंड जो रिलीफ वैल्यू उसको आपको यहाँ से इंक्रीज कर देना है। अभी देखिए जो कलर मैप है वहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का सिंबल दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये मटीरियल ह्यूमन के अंदर कंसिडर नहीं हो रहा है, तो आपको इसे सिलेक्ट करना है एंड देन जहाँ पर भी आपने मटीरियल को प्लेस किया हुआ है वहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन आपको यहाँ पर ओके कर देना है, ठीक है। तो मटेरियल आपका यहाँ पे ऐड हो गया। अभी कलर आप कैसा ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा डार्क कलर चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर टिक कर दीजिएगा एंड सेकेंड थिंग, मैं यहाँ पे वेदरिंग को भी ऐड कर रही हूँ, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि किस टाइप का मटेरियल है। तो स्टोन, वुड, लेदर, इसी तरीके से काफ़ी सारे मटेरियल है, तो आपको यहाँ पे स्टोन को चूज़ करना है एंड देन आप यहाँ पे वेदरिंग को ऐड करेंगे, कि थोड़ा बहुत ऐड करना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं करना है। जो कॉर्नर होंगे वहाँ पे इस टाइप का कुछ वेदरिंग क्रिएट हो जाएगा। सेम आप इधर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट कर लीजिए इसे, स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, जो एजेस है उसको यहाँ पे आपको फुल कर देना है दोनों ही, उसमें वेदरिंग को भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं लिटिल बिट।
देखिए यहाँ पे आपको इम्पैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना चेंजमेंट आपको करना है। अभी इतना सब कुछ करने के बाद हमें यहाँ पे इसकी रेंडरिंग कैसे लेनी है। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप कैसे इस इमेज की रेंडरिंग ले सकते हैं वो हम कवर करेंगे। देखिए इमेज को रेंडर करने के लिए आपको यहाँ पे फोटो मोड का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप किसी भी इमेज को रेंडर कर सकते हैं, अपने मॉडल को रेंडर कर सकते हैं। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये काफ़ी सारे स्लॉट्स आपको मिलते हैं। ये बेसिकली अगर आपने कोई स्टोर किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, अदरवाइज आपको सभी स्लॉट्स यहाँ पे ब्लैंक मिलेंगे। तो लेट सपोज आपने फर्स्ट टाइम इसे ओपन किया तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे प्रीव्यू मिलने वाला है, ठीक है। अभी इस प्रीव्यू के अंदर आप काफ़ी सारे तरीक़ों से वर्क कर सकते हो, जिसमें से दो मेजर होते हैं, जिसमें पहला होगा प्री डिफाइंड स्टाइल्स को चूज़ करना, जहाँ पे आपको जो लुमिन प्री डिफाइंड स्टाइल्स प्रोवाइड करता है, जैसे रियलिस्टिक आप चूज़ कर सकते हो, काफ़ी सारे टाइप के स्टाइल्स होते हैं तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अभी कस्टम पे है तो आप सभी इफ़ेक्ट्स को अपने थ्रू ऐड करेंगे। लेट सपोज आपको प्री डिफाइंड स्टाइल्स को चूज़ करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे एक तो आपको कस्टम स्टाइल है, इसके अलावा आपको 8 डिफरेंट स्टाइल्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको सभी इफ़ेक्ट्स को मैनेज करके देता है। लेट सपोज़ आपको यहाँ पे ड्रोन पे वर्क करना है तो आप जैसे इसे सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे देखिए जो स्काई है, जो इफ़ेक्ट्स है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल होके आई है। इसके बाद भी आपको इसमें कोई भी चेंजमेंट करना है तो इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ को मैं यहाँ पे इंक्रीज कर दूँ एंड देन यहाँ पे देखिए इफ़ेक्ट्स है तो रियल स्काई है। रियल स्काई के अंदर जैसा कि हमने वहाँ पे वर्क किया था सेम तरीके से आपको यहाँ वर्क करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं भी कौन सा स्काई है, क्या आप चूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर इसकी क्या हेडिंग होनी चाहिए, किस तरह से आपकी जो सन है वो यहाँ पर वर्क करेगा, वो सारी चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल रहेंगी। तो ये आप चूज़ कर सकते हैं। ब्राइटनेस आपको स्काई की कितनी रखनी है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरऑल ब्राइटनेस को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि कोई भी आप चेंजमेंट करते हैं तो आपको अलग प्रीव्यू मिलता है। ये प्रीव्यू तब है जब आप इफेक्ट में चेंजमेंट कर रहे हैं, रेंडर करने के बाद आपको कुछ अलग टाइप का यहाँ पे इमेज मिलता है। तो अगर आपको उस प्रीव्यू को यहाँ पे देखना है, आप चेक करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपका प्रीव्यू क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा एंड रेंडर करने के बाद आपका इमेज कुछ ऐसा मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो क्या आपको हेडिंग रखनी है, क्या चेंजमेंट करना है, वो आपको यहाँ से कंट्रोल कर लेना है। शार्पन आपको कितना रखना है इसमें, इंटेंसिटी वगैरह को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बैक करेंगे इसे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक आपको इफेक्ट मिलता है शेडो का, तो शेडो के इफेक्ट में भी आपको चेंजमेंट करना है। यहाँ पे इंटीरियर और एक्सटीरियर दो आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो अभी ये जीरो पे है तो अभी जो शेडो है वो कंट्रोल हो रखी है। जैसे लेट्स सपोज आप इंटीरियर का सीन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं बट अभी हम एक्सटीरियर पर वर्क कर रहे हैं तो आप उसको चेंज कर देंगे एक्सटीरियर के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो उसी टाइप का शेडो इम्पैक्ट आ गया है। सॉफ्ट शेडो यहाँ पे ऑन होनी चाहिए, फाइन डिटेल शेडो से आप चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा इसे यहाँ से बैक कीजिए। हाइपरलाइट का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन को हम ऐड करेंगे जहाँ जहाँ पे आपके ग्लास है। तो यहाँ से आपको एडिट के ऑप्शन पे जाना है, ऐड करना है प्लेन को, यहाँ से आपको प्लेन्स को सिलेक्ट करना है।
कुछ इस टाइप का इफेक्ट आपको मिल रहा है। देन आपको यहाँ पे स्टोर करना है कैमरा को, तो यहाँ पे आपकी एक इमेज कैप्चर हो जाएगी और उसके बाद इजीली आप इसमें वर्क कर सकते हैं। प्रीव्यू क्वालिटी कितनी है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, तो वो मैं यहाँ पे हाई चूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको इम्पेक्ट मिल जाए रिफ्लेक्शन का, बैक कर दीजिए यहाँ पे, ऐड कर दीजिए इफेक्ट को। एंड यहाँ पे एक और इफेक्ट का मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस वन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बेसिकली ये वाला जो इफेक्ट है ये कम्प्लीटली लेयर के ऊपर बेस्ड है कि आपने किस लेयर पे वर्क किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आप वेट करके देखते हैं इसे, तो जो ट्री है वो मैक्सिमम सिमिलर लग रहे हैं, बट एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर ऐसा नहीं होता है। उनके बीच में जो कलर वेरिएशन होता है वो सभी ट्रीज़ के अंदर ऐड होता है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी आपको मिल रहे हैं। तो उस केस में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको बिल्ड मोड पे जाना है एंड मेक श्योर जितने भी ट्रीज़ आप यहाँ पे ऐड करें उसके लिए आप एक सेपरेट लेयर को क्रिएट करें, जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है, तो ट्री के अंदर है। इन केस आपने ऐड कर दिया है सेम लेयर के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम बैक साइड की तरफ मूव करेंगे। ये देखिए हमारी कंप्लीट साइट है। आपको करना क्या है, यहाँ पे सिलेक्ट टैब पे जाना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दोनों को आपको क्लिक करना है, एंड देन आपको इस तरीके से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देना है। बिकॉज़ यहाँ पे नेचर सिलेक्टेड है तो ओनली आपकी ट्रीज़ वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, एंड देन यहाँ से आप इसको एक डिफरेंट लेयर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका होगा, यहाँ पे देन क्लिक कर दीजिए। इसके बाद वापस इमेज पे जाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है, एंड अभी हमने सेकेंड लेयर पे शिफ्ट कर दिया, तो जो टारगेट लेयर होगी वो यहाँ पे आपको टू चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा वेरिएशन, तो आपको यहाँ पे वेरिएशन को ऐड करना है। ठीक है, इसके अलावा सेचुरेशन आप यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। ह्यू को मैं यहाँ पे लिटिल बिट डिक्रीज कर रही हूँ, थोड़ा डार्कर इम्पैक्ट आएगा इसकी वजह से। देखिए ये अभी काफ़ी रियल लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको बैक करती हूँ, यहाँ पे भी आप प्रिव्यू करके देखते हैं, तो ये तब है जब आपने ह्यू को ऐड किया हुआ है। एंड अगर मैं इस इफेक्ट को यहाँ पे डिसेबल करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से इसको हाइड भी कर सकती हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम जो ट्रीज़ हैं उनका कलर आपको थोड़ा अनरियलिस्टिक फील हो रहा है, वहीं पे जब आप इस इफेक्ट को ऐड कर देंगे तो काफ़ी हद तक ये रियल लगेगा। अभी भी आपको लग रहा है थोड़ा ग्रीनिश शेड आ रही है, लिटिल बिट आपको इसकी सेचुरेशन को लो करना है, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, इसकी सेचुरेशन को आपको यहाँ से रिड्यूस कर देना है। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है। वापस से आपको स्टोर कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अगर आप कोई भी चेंजमेंट इसके व्यू में करते हैं तो। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होता है, दैट इज़ टू पॉइंट पर्सपेक्टिव, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ऐड इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से आपको कैमरा के अंदर मिल जाता है टू पॉइंट पर्सपेक्टिव, तो आपको इसे चूज़ करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी एजेस हैं वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट मिलेंगी। यहाँ से आप इसे हाइड एंड हाइड करके देख सकते हैं, ये देखिए, तो इसे आपको यूज़ करना है। इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, दैट इज़ वॉल्यूमेट्रिक सनलाइट, तो इसे भी आपको यूज़ करना है। कि जो ब्राइटनेस है जिस वजह से आपको रिड्यूस कर देना है। यहाँ पे लास्टली मैं कलर करेक्शन का यूज़ करूँगी, तो यहाँ पे आपको कलर करेक्शन मिल जाएगा, क्लिक कर दीजिए। अभी क्या टेम्परेचर आपको रखना है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, टिंट आप चूज़ कर सकते हैं, वाइब्रेंस है, ब्राइटनेस है, इसी तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन है। इवनिंग का टाइम है एंड बिकॉज़ सनसेट का है तो ये थोड़ा वार्मिश टोन के अंदर होगा, तो नॉर्मली ये ज़ीरो रहता है, ऐसा आपको इम्पेक्ट मिलता है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको वार्मिश टोन में कन्वर्ट करना है, तो आप इसके टेम्परेचर को यहाँ से इनक्रीज़ कर दीजिए। कुछ इस तरीके से यहाँ से जो कंट्रास्ट है उसे भी मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर दूँ।
ये जो कॉन्ट्रास्ट उसकी वैल्यू मैंने 0.6 के अराउंड रखी है। सेचुरेशन को भी थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे ताकि कलर के अंदर आपको थोड़ी डेप्थ मिल जाए। इतना करने के बाद आपको इस इमेज को सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पे रेंडर फोटोज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसे सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ से आपको इमेज को सेलेक्ट करना है जो नेम आप रखना चाहते हैं। देन आपको यहाँ पे क्वालिटी को डिफाइन करना है कि कितने पिक्सल्स में आप इसे रेंडर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम चूज़ कर रही हूँ पोस्टर, सेलेक्ट कर लीजिए इसे। एंड देन यहाँ पे आपको इमेज का नेम टाइप कर देना है, सिंपली यहाँ पे आप इसे सेव करेंगे। जो इमेज है वो आपकी रेंडर हो चुकी है, तो आप यहाँ से ओपन फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सेम मेथड की हेल्प से आप यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप के रेंडर्स को अचीव कर सकते हैं। जैसे एक डे टाइम रेंडर मैंने यहाँ पे लिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने कस्टम स्टाइल पे वर्क किया है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे इफेक्ट्स को आपको यूज़ करना होगा। तो अगर आप इन सभी इफेक्ट्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हमने बहुत ही नॉमिनल फ़ी के अंदर कंप्लीट लूमियन को हर एक इफेक्ट को डिटेल में कवर किया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स को चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये एक डे टाइम रेंडर है, यहाँ पर इसका भी हम एक रेंडर ले लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सेम तरीके से मैंने डिफरेंट इफेक्ट्स को ऐड करके एक ओवरकास्ट वेदर को क्रिएट किया है। सो इस वेदर के अंदर यहाँ पे भी आपको लाइटिंग की ज़रूरत होगी, मैं आपको इसको अपडेट करके दिखा देती हूँ। देखिए रेंडर होने के बाद आपका मॉडल कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी मुझे इसके अंदर लाइटिंग की ज़रूरत है क्योंकि ओवरकास्ट वेदर है एंड यहाँ पर अगर येलो कलर की लाइटिंग हम ऐड कर देते हैं, वार्म येलो टोन, तो वो काफ़ी प्यारा इम्पेक्ट देगी। ये हमारा बैक साइड रहेगा एरिया का। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे लाइट्स को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे बिल्ड मोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए ये हमारा मॉडल है, तो इसके अंदर आपको ऐड करना है, ठीक है। तो लाइटिंग के लिए देखिए, जैसे हमने बाकी सारे मॉडल्स को इंपोर्ट किया था, जैसे हमने नेचर को चूज़ किया था, फाइन डिटेल नेचर को हमने चूज़ किया था, आउटडोर के अंदर से हमने काफ़ी सारे कॉम्पोनेंट को प्लेस किया है, सेम तरीके से आपको यहाँ पर लाइट का टैब मिल जाता है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है।
क्लिक कर दीजिए, या फिर यहाँ से प्लेस के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, या फिर इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। दोनों ही केसेस में आपके यहाँ पे लाइटिंग ऑन हो जाती है। एंड यहाँ पे आपको तीन डिफरेंट टाइप की लाइट्स मिलती है। द फर्स्ट वन इज़ स्पॉट लाइट, ओमनी लाइट एंड द लास्ट वन इज़ एरिया लाइट। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी एरिया लाइट का। अभी आपको प्लेस कैसे करना है, प्लेसिंग के लिए सिंपली आपको इस पर सिलेक्ट करना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पे भी आप लाइटिंग को ऐड करना चाहते हैं, मुझे इंटीरियर के केस में करना है, एंड यहाँ पे जस्ट आपको लाइटिंग को प्लेस कर देना है। ठीक है, आप मल्टीपल लाइट को प्लेस करना चाहते हो तो मल्टीपल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आप इसे एस्केप कीजिए। एंड अगर आपको यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट का ही यूज़ करना है तो यहाँ पे आप इसकी कॉपी लीजिए, सो दैट जब आप एक में चेंजमेंट करें तो चेंजमेंट आपकी सभी लाइटिंग के अंदर हो। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग को प्लेस करते हैं तो आपको हर एक लाइटिंग में अलग से इम्पैक्ट को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैंने लाइटिंग को प्लेस किया, भी कैसा आपको टोन रखना है, वॉल में शेलो टोन रखना है तो यहाँ से आप इसे चेंज कर दीजिए। देन यहाँ पे कितना ब्राइटनेस आप रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसे सेट करना है। तो इतना ब्राइटनेस इनफ है, एक बार हम डबल चेक कर लेते हैं। तो उस केस में आपको यहाँ पे जाना है फोटो मोड पे, डबल क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ से आप इसे एक बार अपडेट करके देखेंगे। देखिए कुछ ऐसा इम्पैक्ट आ रहा है, लाइटिंग भी इनफ है, इससे ज़्यादा ऐड करने की नीड नहीं है। अगर आप लिटिल बिट ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं। एंड एज वेल एज एक और ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, लाइट को सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा फॉलो, तो आपको इस ऑप्शन को ऑन कर देना ताकि लाइटिंग का इम्पैक्ट बॉटम की तरफ आए। एक दफ़ा इसे अपडेट करके देखेंगे, ये देखिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका इल्यूमिनेंस चारों डायरेक्शन में हो तो आपको यहाँ से जो फॉल ऑफ का पैरामीटर है उसको आपको यहाँ पे रिड्यूस कर देना है, 1 रख दीजिए, इसे बिल्कुल मिनिमम आपको रखना है। एंड ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करने के लिए आपको इस टैब को इंक्रीज़ करना है, फिर यहाँ पर चेंज करेंगे। देखिए इतना लाइटिंग इनफ है, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। अभी सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पे लाइट को ऐड किया, ऐसे आपको अपर पोर्शन में भी कर देना है। तो आप यहाँ पे जाएंगे बिल्ड मोड पे एंड कॉपी करना है आपको, मेक श्योर अलग से लाइट को ऐड नहीं करना है। तो उस केस में आपको क्या करना है, लाइट के ऊपर जाएंगे एंड ऑल्ट के साथ आपको मूवमेंट देनी है। तो पहले आपको टॉप में प्लेस करना है लाइटिंग को इस पोर्शन के अंदर, तो यहाँ पर आपको जाना है एंड मूव अप का आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड ऑल्ट के साथ उसको आपको अप की तरफ इसे मूव करना है इस डायरेक्शन में। एंड एक हम यहाँ पे करेंगे, फिर एक दफ़ा चेक करेंगे हम यहाँ पे इसे। इन दोनों लाइटिंग को मैं लिटिल बिट आगे की तरफ शिफ्ट करूँ ताकि यहाँ पे भी उसका इम्पैक्ट आ जाए। तो बिल्ड मोड पे जाना है, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ आपको इन दोनों लाइट को सिलेक्ट करना है, मूव हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कीजिएगा एंड लिटिल बिट आपको इसे फॉरवर्ड की तरफ मूव करना है। यहाँ पे थोड़ा इस पोर्शन में करेंगे, अभी एक दफ़ा चेक करेंगे इसे, ये देखिए। देन यहाँ हम लाइटिंग को ऐड करेंगे, तो चेंज कर दीजिए बिल्ड मोड पे, इस लाइट को सिलेक्ट करना है, ऑल्ट के साथ आप इसे मूव करेंगे। इन दोनों लाइट को सिलेक्ट करना है आपको, कंट्रोल को प्रेस करके यहाँ से मूव अब आपको चूज करना है एंड इसको अप डायरेक्शन में मूव करना है। मूव हॉरिजॉन्टल आपको चूज़ करना है, यहाँ पे आप इसकी कॉपी लेंगे, सेम कॉपी आपको बैक साइड में ले लेनी है।
कुछ सेटिंग को आपको यहाँ पे भी ऐड करना है, तो चेंज कर दीजिए बिल्ड मोड पे। इन दोनों लाइट को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आप मूव करेंगे इसे। इस लाइट को मैं लिटिल बिट लोअर की तरफ शिफ्ट कर रही हूँ, तो अब यहाँ पे जाएंगे एंड सिलेक्ट कर लीजिए मूव अप। यहाँ पे आपको इसको बॉटम की तरफ मूव करना है। लास्टली इस पोर्शन के अंदर आपको ऐड करना है, क्लिक कर दीजिए। देन लास्टली जो ब्राइटनेस है ओवरऑल, उसे मैं थोड़ा सा रिड्यूस करूँगी ताकि नाइट इम्पैक्ट यहाँ पे आए। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक्सपोजर टर्म का यूज़ कर सकते हैं, 0.5 है ये, यहाँ पे आपको इसे रिड्यूस कर देना है। सो 0.4 के अराउंड में से रख रही हूँ। एंड देन हम यहाँ पे इसे रेंडर करेंगे, तो रेंडर फोटोज़ का ऑप्शन आपको मिल रहा है, क्लिक कर दीजिए पोस्टर। एंड जो नेम आपको टाइप करना है वो नेम आप रख दीजिए, सिंपली आपको यहाँ पे इसे सेव करना है।
सो नेक्स्ट आप कैसे इस कंप्लीट मॉडल को एनिमेट कर सकते हैं वो हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए जैसे हमने फोटो मोड पे वर्क किया था सेम उसके जस्ट बॉटम में आपको एक ऑप्शन मिलता है मूव, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कंप्लीट स्लॉट्स आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपको तीन तरह के ऑप्शन मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज़ रिकॉर्ड, इमेज फ्रॉम फाइल एंड मूवी फ्रॉम फाइल। तो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है एनिमेशन को, तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो सेम आपको जैसे हम फोटो मोड पे ऐड करते हैं सीक्वेंस को ऐड करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम एक सिंगल सीक्वेंस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम किसी भी मूवी को एनिमेट करते हैं, किसी भी एनिमेशन को रिकॉर्ड करते हैं, तो वहाँ पे आपको मिनिमम दो की फ्रेम्स का रिक्वायरमेंट होता है कि कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक आपको उसे रिकॉर्ड करना है। तो आपको यहाँ पे की फ्रेम्स को ऐड करने के लिए एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, प्लस का सिंबल आपको मिल जाएगा, ऐड कैमरा की फ्रेम। तो सबसे पहले आपको अपने व्यू को सेट करना है कि कहाँ से आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। लेट सपोज यहाँ से मैंने किया इस तरीके से, सिमिलरली आपको यहाँ पे फोकल लेंथ डिफाइन करने की कितना फोकल लेंथ रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे चेंज किया व्यू को, एक की फ्रेम को मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, देन मैं लिटिल बिट यहाँ से अपनी पोजीशन जो है उसमें यहाँ पे चेंज करूँगी, एंड देन मुझे एक और की फ्रेम को ऐड करना है। तो ये दो पोजीशन मैं रख रही हूँ। फिर तो कितनी लेंथ का आप रखना चाहते हैं एनिमेशन को उसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मैं अराउंड इसे 8 सेकंड रखूँगी एंड एंटर कर दीजिए, एंड देन आपको यहाँ पे इसे सेव करना है। तो सेव जैसे आप करते हैं देखिए स्लॉट के अंदर आपका एनिमेशन रिकॉर्ड हो गया है। यहाँ पे आप इसे प्ले करके देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से, एंड जैसे हमने यहाँ पे इमेज मोड के अंदर सभी जो सेटिंग्स उसमें चेंज किया था, जो स्टाइल्स के अंदर में वर्क किया था, सेम तरीके से आपको यहाँ पे भी वर्क करना है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे डोंट सेलेक्ट कर रही हूँ, एंड ये देखिए कुछ इस टाइप का पीवी मुझे रखना है, लेकिन जो सन की पोजिशन होगी वो मैं थोड़ा बैक साइड में चाहती हूँ। तो उस केस में मुझे एड इफेक्ट के ऑप्शन पर जाना है, यहाँ से सन को सिलेक्ट करना है। सन की हेडिंग हम यहाँ पे चेंज करेंगे, बैक साइड में मुझे एक रखनी है इसे, एंड सन की हाइट को मुझे यहाँ पे रिड्यूस करना है। सन की ब्राइटनेस जो है उसे यहाँ से आपको कम कर देना है, एंड सेकेंड थिंग जो एनवायरनमेंट होगा उसे भी मैं यहाँ पे चेंज करूंगी। तो रियल स्काई पे आप जाएंगे, सिलेक्ट कर लीजिए, एंड कुछ इस टाइप का एनवायरनमेंट मुझे चाहिए। यहाँ से आपको चेंज करना है कलर करेक्शन, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वार्मिश टोन के लिए, सेकंड थिंग शेडो, तो यहाँ से एक्सटीरियर पे क्लिक कर देना है। रियल स्काई को आई थिंक ये वाला ज़्यादा बेटर वर्क करेगा, तो इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट थिंग जो एक्सपोजर है उसे मुझे ऐड करना है, तो आप यहाँ पे जाएंगे एक्सपोजर टर्म पे, एक्सपोजर को इंक्रीज कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ से कंट्रास्ट को इंक्रीज करना है, सेचुरेशन आप इंक्रीज करेंगे, सन की हाइट को मैं लिटिल बिट यहाँ पे अप की तरफ कर रही हूँ। ओके, एंड लास्ट थिंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लूम इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है एंड यहाँ से आपको एक इफेक्ट को ऐड करना है, दैट इज़ लेंस फ्लेयर। तो आपको कैमरा टैब में मिल जाएगा, क्लिक कर दीजिए, एंड स्ट्रीक रोटेशन आप यहाँ पे बता सकते हैं, स्ट्रीक काउंट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं किस टाइप का काउंट आप रखना चाहते हैं। नेक्स्ट थिंग ब्लूम अमाउंट आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इस पार्ट के अंदर मैं यहाँ पे बटरफ्लाईज को ऐड करूँ, तो आप यहाँ पे बिल्ड मोड पे जाएंगे, यहाँ पे आपको जाना है नेचर के अंदर, यहाँ से आपको प्लांट को चूज करना है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो आपको क्लिक कर देना है एंड देन आपको यहाँ पे इसे ऐड कर देना है।
मूवी मोड पे जाएंगे फिर से तो ये देखिए यहाँ पे आपको ऐड हुई मिल जाएंगी। एक्सपोजर जो है वो आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है तो इसके एक्सपोजर को यहाँ से रिड्यूस करेंगे इस तरीके से। देन टू पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको ऐड करना है एंड लास्टली इस इफेक्ट को हम ऐड करेंगे। तो क्लिक कर दीजिए, लेयर को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एंड सेचुरेशन को मैं यहाँ पे रिड्यूस कर रही हूँ, कर देना यहाँ से आप प्ले करके देख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का इम्पैक्ट आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं और सेम तरीके से जितने भी क्लिप्स हैं जैसा आपको एनवायरनमेंट चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आपको रियल स्काई को चूज़ करना है एंड बाकी सारे इफेक्ट्स पे वर्क करना है। एंड देन फाइनली क्लिप को रेंडर करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा रेंडर क्लिप, क्लिक कर देना है। आपको क्वालिटी बतानी है और फ्रेम पर सेकेंड आपको डिफाइन करना है, फिर किस क्वालिटी में आप इसे रेंडर करना चाहते हैं वो आप डिफाइन करेंगे। देन वीडियो का नेम सेव कर दीजिए एंड सिंपली आप यहाँ पे इसे सेव करेंगे।